आप सभी को राम राम। और आज मेरी फर्स्ट वीडियो है और मेरा नाम है विकास और ये जो चैनल है ये यूपीएससी से रिलेटेड है और बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। और आज जो सबसे मेन जो चीज़ है वो है यूपीएससी। यूपीएससी क्या है? अभी जिन लोगों को पता है उन लोगों को शायद ही पता होगा कि 1926 के अंदर यूपीएससी मतलब लॉन्च हुआ था भारत सरकार ने कुछ अधिनियम के तहत। 1926 में यूपीएससी बनाया था, फिर यूपीएससी को वापस से रिफॉर्म करके फिर 26 अक्टूबर 1950 के अंदर पीएससी को यूपीएससी के अंदर चेंज कर दिया था। और यूपीएससी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कि वो देश के जो सबसे बड़े बड़े ग्रेड वन ऑफिसर्स हैं उनको रिक्रूट करता है। अब इसके अंदर दूसरी बात आ जाए तो यूपीएससी के अंदर क्यों कुछ एग्जाम होते हैं। यूपीएससी के अंदर जो सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम होता है वो है सिविल सर्विसेज, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, जिसके थ्रू देश के भावी अफसर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईआरटीएस, आईआरएफएस, आईआरडीएस, मतलब पता नहीं कितने अनगिनत 22 तरीके की पोस्टें होती है। और अभी फिलहाल आईआरएमएस जो इंडियन रेलवे आईआरएमएस इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, जिसके थ्रू इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रेड सर्विस, इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरा जो एग्ज़ाम होता है इसके अंदर होता है यूपीएससी सीएपीएफ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। और इसके यूपीएससी सीएपीएफ के बारे में मैं आपको जरूर आगे जाके जरूर अगली वीडियोस में जरूर आपका जिक्र करूँगा सीएपीएफ है क्या। हाँ, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अंदर सीआरएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसी पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर 3-स्टार ऑफिसर होते हैं, मतलब असिस्टेंट कमांडेंट चुने जाते हैं। उसके बाद एग्जाम आ गया अगला यूपीएससी सीडीएस। सीडीएस के थ्रू आप लोगों को पता होगा कंबाइंड डिफेंस सर्विस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस के तहत आपके आर्मी के अंदर नेवी एयरफोर्स उसके अंदर लेफ्टिनेंट चुने जाते हैं, लेफ्टिनेंट आर्मी के अंदर ऑफिसर। उसके बाद आईआरएमएस हो गया और इंडियन मेडिकल सर्विस भी हो गई, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस भी हो गई और ईपीएफओ हो गया, यूपीएससी ईपीएफओ, ठीक है, प्रोविडेंट फंड ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, ऐसे अनगिनत जो। और ये सारी पोस्ट ऐसे नहीं है, ये सारी पोस्ट ग्रेड वन ऑफिसर्स के लिए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ग्रेड वन ग्रुप ए और ग्रुप बी की जॉब्स होती है। सो आपको मैं अगले कुछ वीडियो में आपको स्कोप मैंने डिटेलिंग के अंदर बताऊँगा। अगली जो वीडियोज आएंगी अब मैं उनके अंदर आपको डिटेलिंग से समझाऊंगा। यूपीएससी के अंदर जो एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। सो ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, शॉर्ट एंड स्वीट थी, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और बस मेरी वीडियो को जरूर सपोर्ट कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज मेरी थोड़ी तबीयत है थोड़ी वीक है, सो जरूर सपोर्ट कीजिएगा यूपीएससी विद बैंक विकास। राम राम जी, मिलते हैं। Bye, have a great time.